और उस आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है, अगर हम अंतर यात्रा के प्रयोगों को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है और वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक आती है, और मस्तिष्क में आने से ही हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा, क्योंकि मस्तिष्क खर्च कर रहा है तो उसको पूरी मात्रा में ऊर्जा मिलने से मस्तिष्क की क्षमताएं विकसित होती है और हमारे लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरी चीज, हमने पिछले क्रमों में जो हमने चर्चा की थी कि हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में से 2 नाड़ियों की बड़ी महत्ता मानी गई है, जिसमें ईड़ा और पिंगला कहा गया है, और ईड़ा और पिंगला के संबंध में ये कहा गया है कि अगर इन दोनों के बीच संतुलन हो जाए तो हमारी तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना की बात करती है, और अंतर यात्रा का पूरा प्रयोग सुषुम्ना पर आधारित प्रयोग है, ये अंतर यात्रा का प्रयोग सुषुम्ना का जागरण होता है, और सुषुम्ना का जागरण होना अपने आप में होना कोई अलग नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये हमने बात की थी, लेकिन हमने एक साथ साथ एक बात और भी की थी कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण प्रतिदिन 2 बार आते हैं जहां पर दोनों स्वर समान रूप से संतुलित होते हैं और सुषुम्ना का जागरण होता है, और वो क्षण हमने आपसे बताया था संधि काल कहे जाते हैं। संधि काल मतलब जहां न दिन हो न रात हो, वो वाला क्षण जिसमें हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, न दिन हो न रात हो, है ना, वो वाला क्षण। उषाकाल या गोधली वेला, ये 2 वक्त ऐसे थे हैं जहां पर सामान्य रूप से दोनों संतुलन में आते हैं और जागृत होते हैं। जब वैज्ञानिकों से, हमने ये बात नहीं आपसे की थी कि वैज्ञानिक इसके पक्ष में क्या कहते हैं, तो थोड़ी सी मैं वैज्ञानिक पक्ष को बात कर इसके प्रयोग की विधि का विश्लेषण करना चाहूंगा और उसके बाद हम उसके प्रयोग को करेंगे। वैज्ञानिकों से जब इसी बात को पूछा गया, कहा गया कि हमारे योग शास्त्रों में ईड़ा और पिंगला नाड़ी की चर्चा है, आप अपने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या ईड़ा और पिंगला नाम की कोई नाड़ी आपको मिली है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ईड़ा पिंगला नाम की कोई नाड़ी हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा कि हमारे भीतर जब नर्वस सिस्टम की चर्चा हमने भी की थी आपसे, और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारे भीतर नर्वस सिस्टम जब काम करता है नाड़ी तंत्र, तो उसमें हमने आपको बताई थी सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक नर्व हमने वो बताया था कि जिसमें सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक जो स्वतः संचालित, तो वैज्ञानिक ने यह जरूर कहा कि हमारे भीतर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो स्वतः संचालित है, वह ब्रेन से रिलेट नहीं करता, ब्रेन उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करके ऊपर नीचे थोड़ी कर सकती है लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकती, वो ऑटोनोमिक नाड़ियां हैं और उसके 2 प्रकार हैं, और एक कहलाता है सिंपैथेटिक और एक कहलाता है पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसने वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सिंपैथेटिक, जिसे हिंदी में अनुकंपी कहते हैं, वो सिंपैथेटिक, हमने यह पाया है, हमने यह देखा है वैज्ञानिकों के हिसाब से, वैज्ञानिकों ने कहा कि जिन व्यक्ति के भीतर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, वह व्यक्ति बड़ा क्रोधी होता है, बड़ा आवेश में होता है, बड़ा गुस्से में होता है, उसका आवेश आवेग पर नियंत्रण नहीं होता, उदंडता उसके भीतर होती है, आक्रामकता उसके भीतर होती है। ये साइंस ने इस बात को प्रूव किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी से उस व्यक्ति के भीतर की आक्रामकता बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जब योग के साथ जोड़ा गया तो देखा गया कि यहां भी पिंगला नाड़ी की जब अधिकता होती है तो वहां भी यही कंडीशन बनता है जिसकी बात विज्ञान सिंपैथेटिक के नाम से कह रहे हैं। और जब दूसरी बात वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भाई हमने देखा है कि जिन लोगों के भीतर पारासिंपैथेटिक ज्यादा एक्टिव है, वह व्यक्ति शांत में आ जाता है, पीस में आ जाता है, शीतलता उसके भीतर होती है, एक शांत अवस्था उसके भीतर होती है, और दूसरी तरफ योग के हिसाब से अगर देखें ईड़ा नाड़ी की बात की गई है, जो चंद्रस्वर की बात की गई थी जो हमने पिछले क्रमों में किया है, वो चंद्रस्वर भी वही गुणधर्म देते हैं जो विज्ञान के हिसाब से पारासिंपैथेटिक गुणधर्म देते हैं। इसका मतलब विज्ञान यह बात को प्रूव करता है कि योग के अंतर्गत जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, विज्ञान में उसी को सिंपैथेटिक नर्व्स जाना गया है, और विज्ञान में जिसको पारासिंपैथेटिक कहते हैं, अध्यात्म में उसी को हम ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं, और इन दोनों के संतुलन से योग कहता है कि इन दोनों के संतुलन से हमारी तीसरी नाड़ी का जागरण होता है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों से यह बात पूछी गई कि सुषुम्ना के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा मेरी सुषुम्ना तो एक निश्चित व्यवस्था में है,
हमने जब स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा की थी, शायद आपको ध्यान हो क्योंकि अभी पिछले ही क्रमों में हमने की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो स्पाइनल की सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी वैज्ञानिकों के हिसाब से है वो लंबर के टू रीजन तक, लंबर टू एल टू तक जाकर एंड होते हैं, और उसके आगे उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ भाग होता है जहां पर आप पंच करके वहां से बोन मैरो को लेते हैं टेस्ट के लिए, वो आगे का भाग वो भी 27th वर्टिब्रा तक जाकर एंड हो जाता है, उसके नीचे नहीं है विज्ञान की सुषुम्ना। लेकिन जिस योग की सुषुम्ना की बात हम कर रहे होते हैं वो योग की सुषुम्ना और विज्ञान की सुषुम्ना बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। हम जिस योग की सुषुम्ना की बात करते हैं उसके बारे में ऋषि मनीषियों ने कहा है कि वो इतनी सूक्ष्मतम है जो आंखों से और मशीनों की पकड़ से दूर है। हाँ, अनुभवों के आधार पर उसे आप पकड़ सकते हैं, ध्यान का प्रयोग अगर आप सही तरीके से आप करोगे तो योग की जो सुषुम्ना की बात की गई है उसका स्थान दिया गया है कि टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपरी भाग से लेकर बॉटम ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के बॉटम के भाग तक ये योग की सुषुम्ना है, न कि स्पाइनल कॉर्ड जो विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस की 27 नंबर पे खत्म है, बट योग की सुषुम्ना में ऋषि मनीषी हमारे कह गए हैं कि टॉप ऑफ द हेड, जिसको चोटी कहते हैं, जिसको योग में सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उस सहस्त्रार चक्र से नाड़ी चलकर नीचे बॉटम बीच सेंटर से होते हुए बॉटम ऑफ द स्पाइन, जिसे हमने आपको कई बार कहा है सुषुम्ना नाड़ी अंत कहां होती है, पेरेनियम पर, पेरेनियम जहां एनस और यूरिनल, मलद्वार और यूरिन का रास्ता के बीच का जो गैप है उस बिंदु तक मिलती है। ये हमारे योगियों के द्वारा, ऋषि मनीषियों के द्वारा देखा गया है और उसी को उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने अपने ग्रंथों में। हम लोगों ने भी कई बार अनुभव किया होगा, आप हम सब कई बार अनुभव आप करते होंगे कि जिनका ध्यान सधता है वो बॉटम से लेकर टॉप एंड टॉप से बॉटम वो महसूस ही कर पाते हैं उस सेंसेशन को, उस वाइब्रेशन को। तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए दिमाग में साइंस की सुषुम्ना को न रखकर योग की सुषुम्ना को ध्यान में रखिएगा और उसी के आधार पर हमारा प्रयोग होगा। लेकिन वैज्ञानिकों से यह पूछा गया कि जब वही सुषुम्ना की बात करते हो, वैज्ञानिकों ने एक बात जरूर प्रूफ किया, यह जरूर कहा कि भाई ठीक है हमें तो ईड़ा और पिंगला तो पता नहीं, लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है। लेकिन एक बात हमने जरूर पाया है कि जिन लोगों के भीतर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में संतुलन है वह व्यक्ति एक पीस में आ जाता है, एक शांति में आ जाता है। यह विज्ञान ने प्रूफ किया, सुषुम्ना शब्द तो नहीं दिया उसने, लेकिन उसने कहा कि वह एक पीस की स्थिति में आता है और उस समय वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के भीतर उसके वेवलेंथ को चेक किया, मस्तिष्क के भीतर के वेवलेंथ को जब चेक किया और जब पीस की स्थिति बनी थी तो उसने जब देखा तो पाया कि उस समय मस्तिष्क के भीतर अल्फा वेव्स चल रहे हैं। इधर ईड़ा और पिंगला की बात जब की गई, इधर ऋषि मनीषियों ने जब प्रयोग किए और इस पर जब भी मशीन लगा करके चेक किया गया तो इसमें भी पाया गया कि जब व्यक्ति सुषुम्ना का जागरण की बात करते हैं उस समय व्यक्ति के भीतर अल्फा वेव्स चलते हैं। यानी वेव्स के आधार पर यह माना गया कि जब ईड़ा और पिंगला यानी सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का संतुलन होता है तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स चलने लगते हैं, और विज्ञान के हिसाब से अल्फा वेव्स चलना पीस में आना है, अध्यात्म के हिसाब से अल्फा वेव्स चलना ध्यान में होना है। ये प्रूफ हो गया और ये आपको देखा, आपने सुना भी होगा, हमारे सर ने भी लेक्चर दिया था इस पर, तरंगों पर, वेवलेंथ पे। उसमें हमने भी कई बार बताया है कि वेवलेंथ का मापदंड है कि एक व्यक्ति को एक मिनट के अंदर 40 थॉट आते हैं, 42 ऐसे तो कहा गया है, 42 थॉट आते हैं 60 सेकंड के अंदर। लेकिन यह एक नॉर्मल, इसको कहते हैं बीटा लेवल, ये बीटा की तरंगे उस समय चलती है, इसको बीटा कहा जाता है। लेकिन अगर यही 40 से ऊपर हो जाए पर मिनट, एक मिनट में 40 से ज्यादा विचार चलने लग जाए, थॉट चलने लग जाए, इसका मतलब उसका जो वेवलेंथ हो जाएगा वो गामा लेवल हो जाता है। वैज्ञानिक का प्रूफ किया हुआ है, इसमें हमने अपनी तरफ से और अध्यात्म ने कुछ नहीं कहा, ये विज्ञान कहते हैं कि जब थॉट बहुत ज्यादा चलने लगता है तो उस समय गामा एक्टिव हो जाता है, गामा
वेवलेंथ चलने लगते हैं, गामा की तरंगे चलने लगती है। यानी जिस व्यक्ति के भीतर ज्यादा सोचना है, इसका मतलब गामा लेवल उसकी ज्यादा है। जो लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में जब चले जाते हैं, हाई एंजाइटी में आ जाता है, तो उस समय उनकी विचारधाराएं इतनी ज्यादा उसमें जुड़ जाती हैं, इतने थॉट्स चलने लगते हैं कि व्यक्ति गामा में चला जाता है। तो गामा में जाना है नॉट गुड, क्योंकि ज्यादा विचार चलने लगे, ब्रेन ज्यादा वर्क करने लगा। और बीटा का लेवल एक सामान्य माना गया है कि व्यक्ति को कॉमन वे में बीटा लेवल में होनी चाहिए। लेकिन अगर यही लेवल, यानी बीटा को 40 मैंने बताया, 42 बताया था, लेकिन 42 कितने से, 14 थॉट से लेकर एक मिनट में 42 थॉट के बीच है, तो उसके भीतर बीटा लेवल होगा, बीटा वेवलेंथ चलेंगे। लेकिन अगर 40 से नीचे आ जाए वेवलेंथ, एक मिनट में 7 से लेकर 14 विचार चलने लग जाए, तो ये अल्फा लेवल होगा। दिस इज कॉल्ड मेडिटेटिव लेवल, यही मेडिटेशन का लेवल है, अल्फा लेवल। और अगर इसको घटके 4 से लेकर 7 के बीच आ जाए, लेवल विचार तो है, चल रहे हैं विचार, अगर 4 से लेकर 7 के बीच आ जाए, तो उसको कहते हैं थीटा लेवल। थीटा लेवल 4 to 7 है, 7 to 14 अल्फा लेवल है, 14 to 42 हमारे बीटा लेवल है, और 42 से ज्यादा चलता है, पर मिनट की बात मैं कर रहा हूं, अगर थॉट चलता है तो गामा लेवल है। गामा लेवल सबसे खतरनाक है, सबसे खराब है, सबसे मुश्किल पैदा करने वाला है। और बीटा लेवल नॉर्मल एक्टिविटी में है, लेकिन अगर अल्फा लेवल चलने लग जाए तो व्यक्ति एक शांत स्थिति में आ जाता है, मेडिटेटिव लेवल उसे कहते हैं। और अल्टीमेट जो अगर 4 से 7 के बीच आ जाता है थॉट लेवल, तो वो उसको कहते हैं थीटा लेवल। और ये बड़ा प्रयोग आजकल आपने सुना भी होगा, थीटा मेडिटेशन का नाम एक देकर एक पूरा सिस्टम चला रहे हैं। तो थीटा मेडिटेशन यही है कि उसका थॉट प्रोसेस नीचे आ जाए, लेकिन और अगर 0 के नीचे 0 तक आ जाए थॉट लेवल, अगर 0 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा लेवल। और डेल्टा लेवल ध्यान की स्थिति नहीं है, डेल्टा लेवल डीप स्लीप की स्थिति है। जब गहरे स्लीप में चले जाते हो, थॉटलेस होते हो, और वहां पर आपकी अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वह स्टेट डीप स्लीपिंग की स्थिति होती है, स्लीपिंग अवस्था है। हमें जो मूलता है या तो थीटा लेवल या तो अल्फा लेवल, अल्फा से थीटा की ओर बढ़ना अपना पर्पस है। जैसे जैसे हम डीपर में चले जाएंगे, हमारा लेवल थीटा से उस थीटा लेवल तक पहुंच जाएगा, और हम डीपर से डीपर मेडिटेट होते चले जाएंगे। तो ये विज्ञान ने प्रूव किया, ये लेवलिंग तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, बट अध्यात्म ने तो बता कि अपने भीतर होना मतलब सुषुम्ना का जागरण होना, इतनी बात अध्यात्म ने की। ये इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी प्रक्रियाओं पर, कि करना कैसे है, इस प्रयोग को करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको इसको स्पष्ट समझिए कि करने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। मैं इसको कई स्टेजेज में तोड़कर अभी बात करूंगा, और यही प्रयोग जो मैं अभी बोल रहा हूं, वही प्रयोग हम अभी ठीक 15 मिनट करेंगे। तो 15 मिनट में आपको हर चीजों की स्पष्टता होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यह जो प्रयोग है ये अंतर यात्रा का प्रयोग है। कहां से है? टॉप ऑफ द हेड टू बॉटम ऑफ द स्पाइन, यानी नीचे के भाग में जो बॉटम है, जो पेरिनियम है, उसको योग में मूलाधार चक्र के नाम से जाना गया है। हमारे प्रेक्षा ध्यान में उसे हम शक्ति केंद्र के नाम से जानते हैं, जहां सेंटर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अपार भंडार भरा पड़ा है, लेकिन वो सारी एनर्जी सुप्त अवस्था में है, जिसका दैनिक जीवन में हमारे लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो वो बॉटम में एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन खर्च कर गया है, उसी एनर्जी को यहां तक लाना ही इस प्रयोग का मूल उद्देश्य है। जब कहते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, यानी परमात्मा से मिलन हो गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो ऊर्जा नीचे भरी पड़ी है, उस ऊर्जा को यहाँ सहस्त्रार चक्र, इसको योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र तक स्थापित कर देना, कुंडलनी जागरण कर देना, जिसको हम योग में कई बार आपने सुना होगा कुंडलनी जागरण। कुंडलनी जागरण मींस जो ऊर्जा नीचे पड़ी हुई, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर अपने उस सहस्त्रार चक्र में रख देना, कि जहां जरूरत हो, जहां नीड हो, उसका हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सके, और आध्यात्मिक जीवन में तो उसका उपयोग है ही। अगर जिसकी ब्रेन 100% एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, वो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गया।
अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन अगर हमसे कहें तो हम यही मानते हैं कि ब्रेन का 100% सक्रिय हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मूल ऊर्जा जब पहुंचेगी तभी तो सक्रिय कर पाएगा। लेकिन इस प्रयोग में बहुत ध्यान रखने की है, मैंने पिछले क्रमों में भी कहा है, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में आप प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़े और ऊर्जा एक्टिव होने लगे तो प्रयोग में एक गुरु का साथ होना आवश्यक होगा, क्योंकि ये प्रयोग जितना प्रभावी है उतना खतरनाक भी है। हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ऊर्जा जागृत हो जाती है, और अगर ऊर्जा जागृत हो गई और उसको सही दिशा नहीं दे पाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसलिए सही दिशा निर्देश होना भी आवश्यक है। बहुत प्रभावी प्रयोग, जो चीजें जल्दी उपलब्ध होती हैं उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सही दिशा निर्देश के साथ अगर इस प्रयोग को किया जाए तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा, और इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक जगत के बीच का रास्ते को इतने कम कर देगा कि आप तुरंत से उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि बस इस प्रयोग को कॉन्शियसली किया जाए, जागरूकता से किया जाए। ये अभी घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने इसलिए इस बात को रख दिया कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप सबसे पहले हमें जरूर कॉल कर लीजिए। शुरुआती दौर को मैं आपको सहयोग कर पाऊंगा, लेकिन जब हायर स्टेज की ओर जाएगा तो कहां से आपको रास्ता मिलेगा वो रास्ता भी मैं बता दूंगा कि वहां से आपको मार्ग मिलेगा, वहां तक पहुंचाने का काम हमारा होगा। तो आप बस प्रयोग को मनोयोग से करिए, आप हमारे संपर्क में रहें, हम प्रयोग जो कुछ भी आप अनुभव होता है उसे आप हमें शेयर कीजिए ताकि हम आपको सही दिशा निर्देश दे सके। मूलतः इस प्रयोग में पहला स्टेज बनेगा शुरुआती स्टेज, जिसको मूल आधार चक्र योग में कहा गया है, या परीक्षा ध्यान में हम शक्ति केंद्र कहते हैं, प्रेनियम का भाग। यानी शुरू में मैं जब प्रयोग करवाऊंगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा उस बॉटम पर, प्रेनियम पर, शक्ति केंद्र पर या मूलाधार चक्र पर अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपनी सजगता को, अपने होश को वहां ले जाएं और वहां रुक कर वॉच करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अपनी सुविधा अनुसार जितने देर कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं उस बॉटम पे फोकस्ड रहिए। अगर वास्तव में कॉन्सेंट्रेट होंगे यू फील सम सेंसेशन, आपको सेंसेशन पता चलेगा। ये हमने अनुभव किया हुआ है इसलिए आपको मैं बता पा रहा हूं कि सेंसेशन पता चलेगा। सेंसेशन पता होने का मतलब आप स्पष्ट समझिएगा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, लेकिन सेंसेशन भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनी है। तो कोशिश करना है पहले स्टेप को कि ताकि हम ज्यादा थोड़ा वक्त दें, क्योंकि हम वक्त ही कम देते हैं इसलिए चीजों की अनुभूति नहीं हो पाती। लगता है कि कुछ आगे, मन आपको चंचलताओं की ओर ले जाता है और आप हमेशा आगे भागने के चक्कर में चले जाते हैं, जिससे मूल चीज छूट जाती है। और अगर पहली बेस ही कमजोर हो जाए तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बॉटम ऑफ द स्पाइन पर पूरी तरह पहले फोकस होइए, वक्त दीजिए, रुकिए, विचार आएंगे, विचार जाएंगे, बट आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन बॉटम ऑफ द स्पाइन, मूलाधार चक्र यानी शक्ति केंद्र पर ही होनी चाहिए। पहला फर्स्ट स्टेप यही बनेगा और यही मैं प्रयोग में भी करवाऊंगा। दूसरा स्टेप थोड़ी देर में यहां जब छोड़ दूंगा उसके बाद मैं अगले स्टेप की ओर ले चलूंगा कि बॉटम से टॉप तक पहुंचना है और टॉप से बॉटम तक पहुंचना है थ्रू योग की स्पाइनल कॉर्ड, योग की सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, योग वाली, विज्ञान वाली नहीं, इमेजिनरी। यहां से एक नाड़ी आप इमेजिन करो नीचे बॉटम तक है और उसी में कॉन्शियस माइंड को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ट्रेवल करवाइए, अप एंड डाउन करवाइए। इमेजिनरी करेंगे, देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपको पता चलने लगेगा कि आपकी स्पाइन के भीतर एक सेंसेशन महसूस होने लगा है। जैसे अगर एक चींटी को शरीर पर आप छोड़ देते हैं एक सेंसेशन आप महसूस करते हो, वैसे ही सेंसेशन आपको रीढ़ के हड्डी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में महसूस होगा। तो दूसरा स्टेप होगा सुषुम्ना नाड़ी के भीतर अपने कॉन्शियस माइंड को अप एंड डाउन ट्रेवल करवाना। थोड़ी देर अब इस प्रयोग को, इस अभ्यास को करें, वो महसूस करते रहें। तीसरे क्रम में मैं कहूंगा कि अब इसके साथ श्वास को जोड़ दीजिए,
हम कंसंट्रेट करवा रहे हैं, हम धीरे धीरे डीपर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके माइंड के डायवर्सन खत्म हो और आप वन वे फोकस हो सके। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि आप ब्रेथ के साथ जोड़िए, तो जितनी स्वादेर में श्वास छूटती है उतनी देर में ही यात्रा कंप्लीट होनी चाहिए। और यात्रा कहां से कहां की है, बॉटम से टॉप की या टॉप से बॉटम की, यही तो यात्रा है। तो यानी जितने देर श्वास ले रहे हैं उतने देर में एक तरफ से यात्रा, जितने देर में श्वास छोड़ रहे हैं उतने देर में दूसरी तरफ से यात्रा। ये कोऑर्डिनेशन करना है आपको, ये जोड़ना है, सिंक्रोनाइज करना है। ये थोड़ा सा कठिनाई आपको शुरुआती दौर में पैदा होगी, जोड़ पाना थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन एक दिन दो दिन तीन दिन जब आप अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे श्वास के साथ आपका लिंक होने लगेगा। और चित्त को, चेतना को तो चाहे तो एक सेकंड में कहीं के कहीं पहुंचा सकते हैं। तो चेतना के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेथ की है। किसी की 3 सेकंड की ब्रेथ है, किसी की 6 सेकंड की ब्रेथ है, किसी की 10 सेकंड की ब्रेथ है। जिसकी 10 सेकंड की ब्रेथ है वो बॉटम से टॉप तक 10 सेकंड में जाएगा। जिसकी ब्रीदिंग जिस 6 सेकंड की है वो 6 सेकंड में यात्रा को पूरा करेगा। जिसकी 3 सेकंड की है वो 3 सेकंड में जाएगा। यानी ब्रेथ के साथ कॉन्शियस माइंड को ट्रेवल करवानी है उसी सुषुम्ना नाड़ी में जिसमें सिर्फ पहले फ्रीज आ जा रहे थे। तो ये तीसरा स्टेप बन गया। मैंने कहा था निकलने के जो सारे रास्ते हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। लेकिन जब प्रयोग में हम आते हैं तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को हम रोक देते हैं, एक रास्ता मात्र बच जाता है, उसको हम कहते हैं गुदा द्वार, एनस। वो एनस से ऊर्जा रिलीज हो जाती है क्योंकि वो एक मार्ग है हमारा। शरीर के अंदर 10 द्वारों की चर्चा आई है, है ना? और कहते हैं कि 10 द्वार में एक द्वार हमारा एनस भी है, 10वां द्वार यहाँ है। अगर किसी की प्राण, किसी की चेतना जब अंतिम क्षण हमारे जीवन का आता है और प्राण अगर इस सहस्त्रार्थ से बाहर निकल सके, वो मानता है सर्वोत्तम और योगी पुरुष होता है। 10वां द्वार है निकलने के, नोस्टिल्स हैं, 2 कान के छिद्र हैं, आंखें हैं, है ना, एनस द्वार है, ऊपर है। ये सारे 10वां द्वार के माध्यम से कहीं से भी निकल सकती है। यूरिनल का रास्ता है, वो भी निकलने का मार्ग है। तो 10 द्वार शरीर के अंदर है, लेकिन 10वां द्वार से ऊर्जा निकलकर, प्राण निकलकर बाहर जाए, वो शीर्षस्थ का व्यक्ति माना जाएगा, ध्यान साधना की ऊपरी स्थिति में होगा। कहने के लिए हम बहुत बड़े योगी हों और हमारा अगर मल द्वार से प्राण निकला हो तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारा मल द्वार से प्राण निकले, अगर सही मायने में योगी होंगे। तो इसलिए ये जो अंतर यात्रा का प्रयोग है आपके इन द्वारों को भी खोलने में सहयोग करता है। ऊर्जा जैसे ही ऊर्ध्वगमन की ओर होती है आपकी यहां से निकलती है। तो जो आखिरी मार्ग है, निकलने के आखिरी रास्ते थे एनस, वहां पर आपको मूलबंध लगा देना है। इसमें मूलबंध का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारे काम तो हम करते हैं, सिर्फ मूलबंध बंधों का प्रयोग नहीं करते। यहां पर आपको योग के अंतर्गत मूलबंध लगाना पड़ता है हम अभ्यासों में। लेकिन अगर ध्यान सधेगी तो लगाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः लग जाएंगे और त्रिबंध हो जाएगा, तीनों बंद लग जाएंगे ध्यान में, गहराई में जाओगे। लेकिन अभी क्योंकि हमें अपने अभ्यासों को उस तरह से परिपक्व करना है, इसलिए हम उस एनस को भी पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। मूलबंध का मतलब एनस को ऊपर की ओर खींच देना, प्रेनियम के वाले भाग को खींचा जाता है मूलतः, जो एनस क्लोज हो जाता है। इसीलिए मूलबंध का प्रयोग लगाकर रोक दीजिए, फिर नीचे से ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करिए। अब ऊर्जा निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा को ऊपर ही जाना होगा, कोई रास्ता ही नहीं बचता। और इसी में जोगी पुरुष, साधक, अच्छे अच्छे साधक जब ये ऊर्जा को पकड़ नहीं पाते, ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाते, तो ऊर्जा नीचे की ओर गमन करने लगती। और अगर ऊर्जा नीचे की ओर गमन कर जाए तो हम भौतिक जगत में लिप्त होने लग जाएंगे, काम वासनाएं हम पर हावी हो जाएगी, लोभ मोह। आपने देखा होगा कई लोगों में शुरुआती दौर में जीवन के बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है उनका मोह माया बढ़ने लगता है, बच्चों के प्रति राग बढ़ने लगता है। इसका मतलब उनकी ऊर्जा अधोगमन हो गई, नीचे की ओर गमन कर रही, इसलिए वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जबकि जीवन के आखिरी क्षणों में वो मोह माया खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होती क्योंकि ऊर्जा को हमने ऊर्ध्वगमन करना कराया ही नहीं, उसे तो हमने अधोगमन ही रखा। इसलिए यहाँ पर जब मूलबंध के साथ चेतना को ऊर्ध्वगमन करते हैं, मस्तिष्क के भीतर लाते हैं, तो समग्र चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ये हो गया अगला स्टेप।
और इसके बाद के स्टेप में आपको ये महसूस करना है कि जो पूरा मस्तिष्क है वो ऊर्जा से भर गया है। अब इस ऊर्जा को मस्तिष्क में अनुभव करिए, मस्तिष्क को सक्रियता में अनुभव करिए, ऐसा लगे कि मस्तिष्क पूरी तरह एक्टिव हो गया है, ऐसा रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम क्योंकि ट्रीटमेंट पर्पस को भी लेकर चल रहे हैं, तो साथ साथ हम क्या करते हैं, इस ऊर्जा का कुछ भाग को हम उस विशेष अंग की ओर भी प्रवाहित कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि मस्तिष्क की ऊर्जा को नर्व के माध्यम से उन अंग विशेषों की ओर प्रवाहित करें जिन अंग विशेषों में समस्याएं हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की ओर प्रवाहित करिए, किन्हीं को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो पैनक्रियाज की ओर प्रवाहित करिए, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो लीवर की ओर प्रवाहित करें, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो किडनी की ओर प्रवाहित करें। अब ये मत पूछिए कि लीवर किधर है, किडनी किधर है, पैनक्रियाज किधर है। अगर ये पूछेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं पिछले क्रमों से किडनी लीवर पैनक्रियाज यही तो कर रहा हूं। तो अगर नहीं है तो फिर भी पूछ लीजिएगा, गलत मत करिएगा। ऐसा नहीं कि ठीक करना पैनक्रियाज को और किडनी को दे रहे हैं, पता चला कि किडनी ही पैनक्रियाज है तो किडनी ठीक नहीं होगा, पैनक्रियाज ठीक नहीं होगा, किडनी जरूर ठीक हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसीलिए फिजियोलॉजी जो बताने के पीछे हमारा प्रयोजन रहा है, बस इसीलिए कि जब जिन अंगों की बात की जाए वह अंग विशेष को सीधे सीधे आपको उस अंग विशेष पर फोकस हो जाए तो ऊर्जा सीधे उस वे में चैनलाइज हो जाती और आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो परिणाम आप सोचते नहीं है वो परिणाम आने लगता है। बस जरूरत इस बात की है ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर सके और सही दिशा निर्धार दे सके, तो निश्चित रूप से सोचने से विपरीत परिणाम आने लगेगी जो सोच भी नहीं सके। और लास्ट में हम कहते हैं जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, स्वच्छ है, स्वतंत्र है, रोग मुक्त है, उनको मैं कहता हूं कि उस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित कर दीजिए। यहां से पूरे शरीर के भीतर जैसे भगवान शिव से जटा से गंगा की धारा निकलती है, वो धारा बस वैसे ही निकाल दीजिए और उस धारा के प्रवाह में आप अपने आप को उसमें ले आइए और अपने आप को उसमें बिल्कुल क्लिंज कर दीजिए, साफ कर दीजिए, कोई चीज कोई सब चीजें आपके भीतर न रहे, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाए, ओजवान हो जाए। अगर ऊर्जा इस तरह से आप छोड़ पाएंगे, खोल पाएंगे, कर पाएंगे तो पूरा शरीर ओजवान हो जाएगा, एक तेज एक ओज आपके चारों तरफ फैल जाएगी, देखकर ही लगेगा कि कोई एक महान पुरुष है, ये ऐसा समझ लेगा, देखने मात्र से वो प्रभावित कर सकेगा अपने आप। हमारे ऋषि मनीषी के सामने जो रियल ऋषि मनीषी होते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो जाते ही प्रभावित हो जाते, प्रभावित हो जाते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर अशांत तो है वहां जाते ही शांत हो जाते, क्योंकि वो सारा वातावरण उससे प्रभावित है और वो ऊर्जा का अपार केंद्र है जिसके माध्यम से हम करते हैं। तो अभी जो प्रयोग हम करेंगे वो प्रयोग यही करेंगे, 10 मिनट आपकी क्लास आगे बढ़ेगी। अगर धीरेन्द्र जी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें हेड होस्ट बना करके आप जा सकते हैं, बाकी आप लोग जो लोग हमारे साथ करना चाहते हैं प्रयोग को, हम 15 मिनट का प्रयोग यही करेंगे जो हमने अभी विश्लेषण किया। प्रयोग के बाद 2 मिनट के लिए आपसे बात, अगर आप करना चाहें तो बात भी हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो अपनी शांति शांति अपने अपने घर चले जाएं। तो चलिए प्रयोग के लिए तैयार हैं। ईडा को सिंपैथेटिक और ईडा को सिंपैथेटिक और पीड़ा पिंगला को पैरासिंपैथेटिक कहते हैं या उल्टा बोल रहे हैं? हाँ, उल्टा बोल रहे हैं। ईड़ा नाड़ी जो है चंद्रस्वर है, चंद्र पैरासिंपैथेटिक है। हाँ, चंद्र पैरासिंपैथेटिक है और पिंगला नाड़ी सिंपैथेटिक है, इसलिए उल्टा नहीं करिएगा, सिंपैथेटिक पिंगला राइट नॉस्टिल, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए बात समझ में आ गई, जो प्रयोग हमने बताए बस अब करना मात्र है, एक बार हम प्रयोग करते हैं फिर क्या कन्फ्यूजन होता है फिर देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस गो, तैयार हो जाइए आप लोग 15 मिनट के लिए, अपने अपने आसन पर आंखें बंद कर लीजिए, अपनी मुद्रा अपनी सुविधा अनुसार ज्ञान मुद्रा का प्रयोग या वीतराग मुद्रा जो आप चाहें उस मुद्रा का प्रयोग करें, आंखें बंद करिए, शरीर को स्थिर करें, मन को शांत करें, 3 बार धीरे धीरे लंबी श्वास लें और 3 धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़ें। सारा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। तीन बार दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ हम ध्यान के प्रयोग को प्रारंभ कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास, दीर्घ ओम का उच्चारण।
शांत मन ही मन संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। पूरी स्थिरता एवं जागरूकता के साथ ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करूंगा, ऐसा संकल्प करें पूरे मनोयोग से। बंद आंखों से अपने राइट पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग पर अपने चित्त को ले जाएं, शिथिल होने का ऑटो सजेशन दें और उसके शिथिल होने का अनुभव करें। राइट पैर के अंगूठे से लेकर हिप ज्वाइंट तक राइट लेग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर के अंगूठे से लेकर हिप ज्वाइंट तक लेफ्ट लेग, कमर का पूरा भाग, कमर से कंधे तक शरीर के मध्य लोब का पूरा भाग, पीछे से पीठ रीढ़ की हड्डी, सामने से पेट सीने का पूरा भाग, अंगूठे के पोर से कंधे तक राइट हैंड लेफ्ट हैंड, गला गर्दन पूरा चेहरा ललाट और मस्तिष्क, पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक शिथिल हो रहा है, ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। यदि शरीर के किसी भाग में अकड़न जकड़न तनाव या दर्द हो तो उस खास भाग पर अपने चित्त को ले जाएं, शिथिल होने का ऑटो सजेशन दें और उसके शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है। आपने किया है, आप करने वाले हैं। शरीर इंद्रियां और मस्तिष्क शिथिल होने वाले, बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है। अब अपने चित्त को अपने रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले छोर, दोनों नितंबों के बीच, गुदा के पास, बॉटम ऑफ द स्पाइन, शक्ति केंद्र, मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी सजगता, पूरी जागरूकता, पूरा होश बॉटम ऑफ द स्पाइन शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर लगाए रखें
वहां पर होने वाले सेंसेशन, वाइब्रेशन, प्रकंपन, स्पंदन, सनसनाहट, झंझनाहट, हल्केपन, भारीपन, जो कुछ भी हो बस उसे देखते रहें, अनुभव करते रहें, वॉच वॉच इट। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, पूरा ध्यान शक्ति केंद्र। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचारों के साथ न उलझें, अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर लगाए रखें और वहां पर होने वाले परिवर्तनों को महसूस करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, अपनी सजगता को बनाए रखें, जो कुछ भी हो रहा है शक्ति केंद्र पर महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें। आपकी सजगता ही आपको सफलता देगी। सजगता बनाए रखें, पूरी तरह सजग। अब अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं। सिर पर चोटी के नीचे हाइपोथैलेमस, ज्ञान केंद्र, सहस्त्रार चक्र तक लाएं। पुनः उसी मार्ग से नीचे शक्ति केंद्र पर लाएं। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, रीढ़ के हड्डी के भीतर सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चलती रहे। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चलती है। पूरी सजगता, पूरी जागरूकता, पूरा सुषुम्ना पथ प्राण के प्रकंपनों से स्पंदित हो रहा है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चलती रहे। पूरा सुषुम्ना पथ प्राण के प्रकंपनों से स्पंदित हो रहा है। अब अपने चित्त की गति को
श्वास की गति के साथ जोड़े, श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, यात्रा नीचे से ऊपर की ओर हो, पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे, वहां कुछ एक क्षण रुके, श्वास भरना प्रारंभ करें, यात्रा ऊपर से नीचे की ओर हो, पूरा श्वास भरने पर चित्त नीचे शक्ति केंद्र पर पहुंचे, श्वास और चित्त दोनों साथ साथ चले, श्वास बाहर चित्त नीचे से ऊपर, श्वास भीतर चित्त ऊपर से नीचे, पूरी सजगता के साथ सुषुम्ना में चित्त की यात्रा। श्वास बाहर चित्त नीचे से ऊपर, श्वास भीतर चित्त ऊपर से नीचे, पूरी सजगता के साथ सुषुम्ना में श्वास के साथ चित्त की यात्रा चलती रहे, पूरा सुषुम्ना पथ प्राण के प्रकंपनों से स्पंदित हो रहा है। अब मूल बंद का प्रयोग करेंगे, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, पुनः श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, यात्रा नीचे से ऊपर की ओर हो, पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे, वहां कुछ एक क्षण रुकें, मूल बंद खोलें, श्वास भरना प्रारंभ करें, यात्रा ऊपर से नीचे की ओर, पूरा श्वास भरने पर चित्त नीचे शक्ति केंद्र पर पहुंचे, श्वास और चित्त साथ साथ चले, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, यात्रा नीचे से ऊपर की ओर हो, पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे, वहां कुछ एक क्षण रुकें, मूल बंद खोलें, श्वास भरना प्रारंभ करें, यात्रा ऊपर से नीचे की ओर, पूरा श्वास भरने पर चित्त नीचे शक्ति केंद्र पर पहुंचे, मूल बंद के साथ सुषुम्ना में चित्त की शक्ति केंद्र, बॉटम ऑफ द स्पाइन, ऊर्जा का अनंत भंडार। अब ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करेंगे, शक्ति केंद्र की ऊर्जा सुषुम्ना के रास्ते श्वास के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाए, मूल बंद लगाएं, बुधा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, उसके साथ साथ ऊर्जा को भी ऊर्ध्वगमन करें, उठाएं ऊपर,
पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे, उसके साथ साथ ऊर्जा भी ज्ञान केंद्र तक पहुंची, वहां कुछ एक क्षण रुके, मूलबंध खोल दें, ऊर्जा को मस्तिष्क के भीतर ही छोड़ दें, खाली चित्त को लेकर श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। पूरा श्वास भरने पर चित्त नीचे शक्ति केंद्र पर पहुंचे, मूलबंध लगाएं, श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, उसके साथ ऊर्जा भी साथ साथ चले। पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे, वहां कुछ एक क्षण रुकें, मूलबंध खोलें, ऊर्जा को मस्तिष्क के भीतर छोड़ें, श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे की यात्रा करें, यानी सुषुम्ना के साथ चित्त की यात्रा में मूलबंध के साथ ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। अभ्यास चलता रहे, मूलाधार चक्र की यानी शक्ति केंद्र की ऊर्जा सुषुम्ना के रास्ते श्वास के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच रही है। जैसे जैसे ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंच रही है, मस्तिष्क की क्षमता, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ रही है। मस्तिष्क के एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन्स सक्रिय हो रहे हैं। ऐसा लगे जैसे पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से भर गया है, शक्ति से भर गया है, पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो गया है, जागृत हो गया है। अब इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाएं। शक्ति केंद्र की ऊर्जा सुषुम्ना के रास्ते श्वास के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच रही है, और मस्तिष्क की ऊर्जा नर्व्स के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहे हैं, पूरे शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है, शारीरिक क्षमता बढ़ रही है, शारीरिक शक्ति बढ़ रही है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। ऐसा लगे जैसे पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया, पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से भर गया, शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास, शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ी, मन शांत है, विचार समाप्त है, अब अपने चित्त को अपने मस्तिष्क पर केंद्रित करें। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्मृति, मस्तिष्क के भीतर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, ब्राइट व्हाइट कलर, ऐसा लगे जैसे ललाट से लेकर मस्तिष्क तक का भाग चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया, पूरा मस्तिष्क श्वेत रंग से भर गया, मन शांत हो गया, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्मृति नहीं, देयर इज नो थॉट, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन, फीलिंग पीस एंड ब्लिस। 2 मिनट के लिए इस शांति और आनंद का अनुभव करें, पूरी सजगता बनाए रखें और शांति और आनंद का अनुभव फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट।
शांति, आनंद, स्फूर्ति, ताजगी से पूरा शरीर भर गया है। मन मस्तिष्क पूर्ण शांत हो गए, पूरे शरीर में हल्केपन की अनुभूति हो रही, सारा तनाव शांति, आनंद, स्फूर्ति, ताजगी से भरे हुए अब हम अपने प्रयोग से धीरे धीरे वापिस लौटेंगे। वापिस लौटने के लिए दो तीन गहरे लंबे श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और आनंद का अनुभव, सक्रियता और चैतन्य का बोध। आराम से धीरे धीरे वापिस लौटेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जैसे जैसे श्वास को भर रहे हैं, जैसे जैसे श्वास को छोड़ रहे हैं, शरीर के अंदर सक्रियता का अनुभव करें, चेतना का अनुभव करें। पैर की अंगुलियों को, हाथ की अंगुलियों को हिलाकर धीरे धीरे चेतना का अनुभव, सक्रियता का अनुभव। हम ध्यान के प्रयोग से वापिस लौट रहे हैं, पूरा शरीर सक्रिय हो गया है, चैतन्यमय हो गया है। जो इस अवस्था में रहना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। बाकी लोग जो वापिस लौट गए हैं वो दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने हृदय के भाग पर हथेलियों में आपस में घर्षण करें, दोनों हथेलियों को रब करें, अपनी पलक बंद आंखों के ऊपर लगाएं, अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें, खोले बंद करें, धीरे से अंगुलियों के झरोखों से प्रकाश को आने दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हथेली को पूरे चेहरे से फिराते हुए, पूरे शरीर पर फिराते हुए, पूरे शरीर में स्वास्थ्य का भाव, ओम शांति शांति शांति। वापिस लौट चुके हैं, धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। समय काफी हो गया है, लगभग 9:15 बज गए हैं। तो अगर 7 दिन का रोज करा दें इस प्रयोग को सर। बहुत बढ़िया है जी, मैं आ जाएगा। सबका ठीक है, समझ में बात आ गई। मैं बस इतना ही जानना चाहता था। माला जी आप भी कर रही थी, स्पष्ट था क्या? रवि जी कर रहे थे माला जी के जगह। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। चलिए, बहुत बढ़िया। जहाँ थ्योरी क्लियर होती है ना गुरु जी, थैंक यू सर। जहाँ थ्योरी क्लियर होती है उसके तुरंत बाद प्रैक्टिकल का रंग अलग ही चढ़ता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है सर। नहीं, मैं इसीलिए मैंने थोड़ा सा आज पलट दिया था कि थ्योरी आगे कर दिया था। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसको 2-4 बार और करा दीजिए। सबकी चाहिए। एग्जाम के पहले जो रिवीजन करते हैं वैसा इम्पैक्ट मिला सर। एग्जाम के पहले जो रिवीजन कर लेते हैं आधे घंटे पहले, वो इम्पैक्ट था आज। राइट, बिल्कुल नहीं, सही है। ये इसी तरह 7 दिन हो जाए ना, परफेक्ट। कहना चाहेंगे रवि जी, अनम्यूट करिए, कुछ तो बोल दीजिए रवि जी। भेंट तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, आप माला जी का साथ ना छोड़े। रवि जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें, माला जी अनम्यूट करें, म्यूट हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। रवि जी प्लीज। हम कई दिनों से जब माला अभ्यास करती हैं तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे हम आपके साथ में सामने उपस्थित हुए। नहीं रवि जी, सुनने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसीलिए उनके बगल में रवि जी एक आसन लगा दीजिए, मेरी नजर आप पर ज्यादा रहेगी। हाँ बिल्कुल, आप शुरू कर देंगे। ओ माला जी तो वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। माला जी मैसेज परफेक्ट हैं, वो तो परफेक्ट। इसलिए आप लोग ये करिए, यू आर माय टीचर 18 साल से, इसलिए वो तो आप ना भी कहे तो भी मैं रहूंगा। इसमें तो सारे हमारे अपने लोग ही हैं, बल्ला जी हैं, रेखा जी हैं, माला जी हैं, उमा जी हैं, सब तो हमारे अपने सारे ही अपने, जो हम 18 साल से जिनके साथ जुड़े रहे हैं, बिल्कुल है। और अब ये लॉकडाउन अब यहाँ से जोड़ रखा है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। काफी लोग हमारे साथ थे, मैं थोड़ा खुशी इसी बात की है कि लोग भागे नहीं। मुझे तो डर था कि फिर वही 20-25 लोग हम बचेंगे, लेकिन नहीं, 40 लोग थे हमारे साथ। जिस समय मैंने खत्म किया था लेक्चर उस समय लगभग 45 लोग 46 लोग थे।
पांच छह लोगों का आवश्यकता है, काम है, देखिए ठीक है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बाकी लोग हमारे साथ थे। चलिए बहुत अच्छा रहा आपका, काफी वक्त हमने लिया है। कल दीपावली है, कल जरूर आप लोग जुड़िए। कल शायद मुझे जुड़ पाना मुश्किल थोड़ा होगा, बस सुबह में मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा कहीं और प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में शायद मैं जुड़ूंगा, बाकी देखते हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दीपावली के नेक्स्ट डे ऑफ ही रहेगा, उसके बाद फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली सर, दीपक जलता है, प्रकाश देता है, वैसे ही ध्यान रूपी प्रकाश को अपने भीतर जलाइए, मंगल ही मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और धीरेन्द्र जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब थैंक यू सर, बता दीजिए ज्योति की शुभकामना सर, दिवाली के मौके पर आप ज्योति को दिवाली की शुभकामनाएं। सारा माल तो एक बार खींच लूं, सारा आशीर्वाद मैंने ले लिया, अब मैं दुरुस्त हो गया एनर्जी पाकर, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद धीरेन्द्र, पूर्णता दीजिए धीरेन्द्र सर, ये अच्छा मुझे ही एंड करना था।